नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वांशी जायसवाल। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। सीधे तौर पर टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभा है, रैली है वहां पर, और जिस तरीके से बयानबाजी इस वक्त जेपी नड्डा और अमित शाह की तरफ से की जा रही है, सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है कर्नाटक में, और दिल्ली तक उसके जो है संकेत वो मिल रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है इस पूरे मामले पर, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो काफी चर्चा में रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप जब से बताया है, तब से जो है सियासत इस पूरे मामले पर गरमाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रही कि इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री के लिए देना सही नहीं है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अपनी सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान है वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं था, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को लेकर के था। बहरहाल, अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है इस पूरे बयानबाजी में, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी कूद पड़ी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सीख दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को सीखने की जरूरत है। जी हां, जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर उसका पलटवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोलियों के संबंध में टिप्पणी पर रविवार को उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। प्रियंका ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की भी सलाह दी, जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार है। तो लगातार जो है वो इस पूरे मामले पर चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार किस तरीके का बयानबाजी क्यों की जा रही है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ मैं देख रही हूं वो अजीब है। मैं कई प्रधानमंत्रियों को देख चुकी हूं। इंदिरा जी, उन्होंने इस देश के लिए गोलियां खाई। राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को इस देश के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लेकिन वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वो आपका दुख सुनने के बजाय यहां आकर अपने बारे में बताते हैं। मोदी पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में किसी ने लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में एक सूची बनाई है जिन्होंने प्रधानमंत्री को कई बार गाली दी थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिम्मत रखिए मोदी जी, मेरे भाई राहुल गांधी से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वो इस देश के लिए गाली ही नहीं बल्कि गोली खाने को भी तैयार है। मेरा भाई कहता है कि वो सच के लिए खड़ा रहेगा, चाहे गाली दो, गोली मारो या चाकू मारो। तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने चुनौती दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि मोदी जी डरिए मत, ये सार्वजनिक जीवन है और ऐसी बातें झेलनी पड़ती हैं। साहस दिखाने और आगे बढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक और बात सीखते हैं तो ये अच्छा होगा, लोगों की आवाज सुने। तो आपको बता दें, इस पूरा मामला जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जब कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रैली की, तो एक सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। जब वो हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तो उनके पास एक मोबाइल फोन फेंका गया था, जिसको सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के। बहरहाल, ये पूरा मामला जो है वो इस वक्त गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। We'll be right back.